मैं रूलिंग दे रही हूँ बेटा, अब तो सीख लो कि मैं रूलिंग दे रही हूँ जी। अम्मी जान, काश अम्मी का आपको एहतराम करना आता। मुझे रूलिंग दे रही हूँ, आप कह रही है रूलिंग क्यों दे रहा है। बाल मैडम हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाया करें, ये मंजन वंजन का बेचना ये मंजन तो बहुत अच्छी चीज है, सुबह कर लें तो मुंह से बदबू नहीं आती, पुराने जमाने के लोग करते थे, अभी पेस्ट आया है। यू आर लिसनिंग सम वॉइसेस और नॉट, यकीन माने मेरी जबान भी फिसल जाएगी और फिर वो कुछ होगा, यहाँ हिशी शेबक भी होगा और ऐसी ऐसी आवाजें आएंगी कि वहाँ से पैर पकड़ कर जूती भी नहीं मिलेगी, ऐसे भागेंगे। कुछ तो काम करें, पुशअप के बजाय कुछ काम करें। पर्सनल अटैक्स अगर लेडीज करेंगी तो जब उनको जवाब मिले तो वो लेडीज नहीं अपने आप को एमपीए समझे। यानी कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर कम और होंडा ज्यादा लग रहे थे। होंडा लव्स नहीं मोना साहब यूज करें, एक्सपेंच कर दें जी। अच्छा जी, ये एक्सपेंच कर दें जी। सही जी, एक्सपेंच कर दें जी। चलो कर दिया जी मिनिस्टर साहब, एक्सपेंच कर दिया। होंडा एक्सपेंच हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर कम बदमाश ज्यादा लग रहे थे। बदमाश भी जी एक्सपेंस, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें मौलाना साहब प्लीज। प्राइम मिनिस्टर कम और दहशतगर्द ज्यादा लग रहे थे। दहशतगर्द भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छे अल्फाज हैं। अच्छा। ये भी एक्सपेंस कर दें। आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान न्याजी कहा करूंगा। दूसरा, किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें, अगर आपने करना है तो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा, काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड इन माय माउथ, कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस अल्फाज को मर्दों से लड़े, इस अल्फाज को निकाला जाए ईवान की कार्रवाई से, निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा कि इमरान खान हाउस में गुटखा खाना, चुइंग टबैको और च्युइंगम खाना अलाउड नहीं है, तो काइंडली डोंट डू इट। इलायची नासिर शाह साहब ने दी थी, वो हम खा रहे थे, शाह साहब ने इलायची दी थी। एक डिप्टी स्पीकर का ये काम नहीं है कि वो इस तरह के जुमले तंजिया बोले। आपका काम है आप न्यूट्रल होकर बात करें। मैं रूलिंग दे रही हूँ, आप कह रही हैं कि आप बात कर रही हैं कि पब्लिक हो जाती है। मैं रूलिंग दे रही हूँ, अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन बिजनेस लाएगा इस एसेंबली में। रूलिंग दे रही हूँ। आप तशरीफ रखे, आपने स्पीच की, मैं एक्सपंज करा चुकी हूँ बैठे जी। और अगर खवातीन यहाँ की इतनी शोर कर रही है तो आप लोग भी इकट्ठे होकर इन्हें जवाब दे सकते हैं, बहुत हो गया है। मैंने बिल्कुल हजफ कराया है जब आप चीख रही थी। मैं सार्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूँ, मैं जहमत देती हूँ आपको कि इन्हें आउट कर दें। एक जूते दिखाए यार, आप पलट के देखे, आप लोग को क्या ये तमीज होती है पार्लियामेंटेरियंस की कि जूता दिखाया जा रहा है? ये तरीका नहीं है कि जूता दिखाया जा रहा है। सही गौर तो नहीं हो रहे आप? नहीं नहीं मैं तो सर पहले तो इन स्पीकर साहब को खुश करना है ना जी, ये खुश हुए तो ये सब खुश हो जाए। मैं तो सर सुन रहा हूँ आपकी माशाल्लाह। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूँ, मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। मैं बांध के आया था। मैं नहीं नहीं प्लीज इस तरह के अल्फाज कर दीजिए। तुम मारेगा आया जरा, मैं बताता हूँ। प्लीज 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 अभी सोना, आप तशरीफ रखें प्लीज प्लीज तशरीफ। और दो टके गए और तुम्हें तो गले तशरीफ रखे चाहे जी। चलो शट अप सवारी साहब, मेहरबानी करें आप जी जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज प्लीज शट अप। आप अली महमूद खान साहब तुम बचाओ बेगारत जी जी नहीं हो। नहीं हमारे टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होता, जो कहते हैं तुम चार चार दफा तकरीरें करते हैं उनके लिए आपके पास टाइम होता है, उसके बाद आपने जो बात करनी है बिल पेश। देखिए मुझे प्लीज यहाँ पे मत समझाया जाए, मैं भी बार बार हम भी यहाँ से इलेक्शन लड़के आते हैं, हम भी 80,000 वोट लेकर आते हैं। जब हम यहाँ पे बात करते तो हमें मौका नहीं दिया जाता है। हम भी चाहते हैं कि डेरा गाजी खान की बात कीजिए, ये सारे लोग आए हुए ये भी अपने हलकों की बात करना चाहते हैं।